आपके भावना से थी उसको मत देना सर, अभी आपने जो कहा। जी माने डिप्टी चेयरमैन साहब, आपने अभी जो कहा कि अपोजिशन के साथ नेता सदन और हम सब मिलके बातचीत करें, तो वो भावना मद्देनजर रखते हुए मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ, डैम सेफ्टी बिल एक बहुत इम्पॉर्टेंट बिल है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है, हम भी बिना अपोजिशन हम चलाना नहीं चाहते हैं, हमको कंस्ट्रक्टिव सजेशन चाहिए, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के लिए हम ओपन है। हम कभी भी, जब लास्ट टाइम मानसून सत्र चला तब भी हमने बिना चर्चा चलाने का हमारा कई मकसद नहीं था। इवन एज ए पार्टी ऑल्सो आवर पार्टी इज द मोस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी इन दिस कंट्री, हैविंग द मैंडेट ऑल्सो द पीपल सपोर्ट ऑल्सो वी आर डेमोक्रेटिक एंड आवर लीडर इज ऑल्सो वेरी वेरी डेमोक्रेटिक। और इसके बाद अभी इसके इतने सब होने के बाद भी त्रिपुरा का इलेक्शन कितना शानदार रिजल्ट हमारे पक्ष में आया है ये सब जानते हैं। और जितना इलेक्शन ये फॉर्मूलाज के बाद अभी तक हुआ है उसमें मोर देन 50% हमारे पक्ष में है, मैं पूरा आंकड़ा इधर रखना नहीं चाहता हूँ। तो इसलिए मैं आपका अनुमति है तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, एज फार एज आई हैव द इन्फॉर्मेशन, अपोजिशन हैज बायकॉटेड फॉर ए डे। तो इसलिए अगर वो कल आ रहे तो लेटस वेट, हम सरकार इंतज़ार करने के लिए तैयार है। हम ये डिस्कशन जो डैम सेफ्टी बिल का डिस्कशन है हम कल ले सकते हैं। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। जैसा माननीय चेयरमैन साहब ने कहा था और मैं भी महसूस करता हूँ हम सब यहाँ बैठकर कि सदन में पूर्ण चर्चा, जब सब मौजूद हों तो बेहतर हो, आपने इसका मौका दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मिलकर बातचीत का रास्ता निकालेंगे और इसको हम लोग कर लेंगे जैसा पूरे सदन का सुझाव है, सबकी सहमति है। तो हाउस स्टैंड्स एडजर्न टू मीट एट 11 AM ऑन वेडनेसडे द 1st December 2021।